नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गनोदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पर 5 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए कोई भी एज नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप 20 के हों चाहे आप 60 प्लस हों। और बेसिकली अगर आप रोज़ भी रूटीन में केवल ये एक्सरसाइज भी कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। मतलब जो हमारे घुटनों में दर्द होता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि बहुत ईजी है। आपको पैरों को इस तरह से झुकाना है और फिर सांस लेते हुए ऊपर करना है। जब आप ऊपर खींच रहे हैं तो देखिए मेरे जो एड़ी है वो ऊपर उठ गई है। और जब हम सांस छोड़ते हुए इसे पंजों को अपने नीचे कर लेंगे पूरे, उसे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी थाइस में पेन होता है और जो हमारे पैरों में पेन होता है वो दूर हो जाता है। आपको 10 बार सांस छोड़ते हुए ऐसा करना है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घुटने, मतलब ये पैर बिल्कुल सीधे रहे, ये मुड़े रहे। आप नोट भी करेंगे, जब आप पैर नीचे करते हैं तो आपकी नसें खींचती हैं, एक पेन सा होता है जिससे हमारी ये नसें पूरी खुल जाती है, जो उसमें ब्लड ब्लड का संचार है वो पूरी तरह से ठीक रहता है। एक्सरसाइज बड़ी ईजी है फ्रेंड्स। इसको भी आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। इससे क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारे पैर में हल्की सी चट चट की आवाज़ आती है, तो ये हमारी जो गैस भरे हुए होता है या वात कहते हैं इसे, वो निकलता है। और इसे भी आप बेड पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर सामने एक चेयर, मतलब मेज पर कोई अपने पैर रखकर इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपको बहुत रिलीफ देगी। जो हमारे नीज में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है, पिंडियों में पेन होता है, उसके लिए थर्ड एक्सरसाइज, अंगूठी बंद करनी है और सांस छोड़ते हुए एकदम खोल देनी है। ये एक्सरसाइज क्या करती है, जो हमारी ये जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है, उनको दूर करती है। और इसके बाद हमें 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हमारे हाथ नहीं घूमेंगे, सिर्फ हमारी अंगूठी घूमेगी, यानी कि जो हमारा एंगल है उससे घूमेगा। इससे जो आपके जॉइंट्स में पेन होता है उसमें आपको रिलीफ मिलेगी और वो हमेशा चलता रहेगा। ऐसे ही 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड, जो ये एक्सरसाइज है ये आप कभी भी बैठे हुए भी टीवी देखते हुए। फ्रेंड, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारी कंधों की है, शोल्डर की। फोर्थ एक्सरसाइज हमारी शोल्डर की है। आप देखते हैं आजकल हमारे शोल्डर में बहुत पेन हो जाता है और शोल्डर लॉक भी बहुत लोगों के हो रहे हैं, तो ये भी बहुत ईजी है। आप पूरे दिन में यदि आप 10 बार क्लॉकवाइज इस तरह से, आपको पूरा हाथ घुमाना है इस तरह से, और यहाँ से आप सांस लेते हुए जाएंगे और यहाँ पर आकर आपको वही सांस छूटना चाहिए। इस तरह से यदि आप 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में भी यहाँ से आपने सांस लिया और यहाँ आकर वही सांस छोड़ना, मतलब वही एक सांस हमें लेकर यहाँ तक छोड़ना है, इस हिसाब से लेना है 10 बार एंटी। फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है नेक की। और मैं इसमें आपको एक चीज़ भी बताना चाहूँगी, जब हम नेक की एक्सरसाइज करते हैं तो आप सबसे पहले कहेंगे कि मेरी तो गर्दन में पेन नहीं रहता है, या गर्दन में कौन सी हमारा जॉइंट्स है कि जो पेन होता है। लेकिन यदि आप नेक की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें जो हमारे वात भरा होता है उसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है वो सिर में नहीं पहुंच पाती। तो यदि हमारी वो खुली रहेगी तो आप देखिएगा आपके सिर में भी दर्द कम होगा। और माइग्रेन अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे आप सुबह शाम दोनों टाइम करें। फ्रेंड्स, एक टिप्स और दूंगी, यदि आप इसको रात को करके सोते हैं और आपको नींद नहीं आती तो आप एक हफ्ते तक अगर आप लगातार करेंगे तो आप ही देखेंगे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। टाइम कम हो जाएगा पर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो उस एक्सरसाइज को क्या कहने, हमें बिल्कुल सीधी कमर करनी है और मैं कहूँगी इसे आप आँख बंद करके करिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आपको इसी तरह से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरे दिन में करनी है। फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए मेरे शोल्डर हैं वो नहीं हिलेंगे और जो मेरे हाथ है वो घुटनों पर है। मतलब आपको शोल्डर नहीं चढ़ाने, केवल आपको ऐसे गर्दन लेके जानी है। और जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आप जब आँख बंद करके ध्यान लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारी कुछ चट चट की हल्की सी आवाज़ आ रही है। आप उसमें बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं है। जो ये चट चट की आवाज़ आती है, ये जो हमारी गैस भरी हुई होती है, हमारी या वात भरा हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो निकलता है। उसी से क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो सीधे माइंड में जाती है
और हमें नींद भी आती है और जो हमारे सिर का दर्द है वो भी दूर हो जाता है। आप रात को ये 5 बार करके सोएंगे तो आप खुद ही देखेंगे फ्रेंड्स 4 दिन में आपकी नींद की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। इसी तरह से हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, हाथ हमें घुटनों पे कर दें, वज्रासन में बैठ सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप कैसे भी सुखासन पर या नॉर्मल भी बैठ कर सकते हैं, उसमें ऐसे ही कर लें एंटी क्लॉकवाइज। आपको बहुत धीरे धीरे लेके जानी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जल्दी से हमने हिला दी वरना उससे गर्दन में और दर्द होगा। जितनी धीरे आप कर सकते हैं उतनी धीरे लेके जानी है और एक आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ मेरे कुछ हल्की हल्की आवाज़ आ रही है या कुछ गैस ही निकल रही है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। चाहे आप कितने भी फिट हैं या कितने भी अनफिट हैं, आप जब भी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स उसमें से आवाज़ मतलब एक आपको हल्की सी महसूस देगी कि आपकी आवाज़ हल्की सी ज़रूर आ रही है गर्दन के पास से, या कुछ चीज़ चट चट की आवाज़ करेगी कि आप प्लीज़ इसे आँखें बंद करके ज़रूर कर रही। तो गर्दन की मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज या फिर कहते हैं हम 6th एक्सरसाइज बता रही हूँ और लेफ्ट साइड ले लूँ। हमें अपने शोल्डर हैं वो मेरे बिल्कुल सीधे हैं, ये ऐसे नहीं है मतलब हम शोल्डर को आगे नहीं लाए, शोल्डर को हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और जितनी पीछे आप देख सकते हैं उतनी पीछे देखिए। आपको जो ये यहाँ पर है एक पेन नज़र पेन होगा तो यही आपके जो वात है वो निकालते हैं, तो ये हम कोशिश करेंगे जो हमारी ठोड़ी है वो कंधे से मिल जाए, पर ऐसा जनरली नहीं होता, मेरी भी नहीं लगती है। और फिर सांस लेते हुए आगे आगे हमें रुकना कितनी देर है फ्रेंड्स, हमें 10 तक अपने मन मन में काउंटिंग करनी है। इसी तरह से हम सांस छोड़ेंगे और राइट हैंड साइड ले जाएंगे। आप महसूस ये सब एक्सरसाइज अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे इस जगह पेन आ रहा है, तो वो पेन ही महसूस करना है। इस तरह से आप 10 तक काउंटिंग करेंगे और सांस लेते हुए आगे ले आएंगे। ये भी फ्रेंड्स आपको 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड करनी है। और एक और गर्दन की एक्सरसाइज बता रही हूँ बेसिकली, वो भी आपकी जो ये गर्दन है फ्रेंड्स, अगर आप गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये केवल गर्दन की नहीं है, आप सोचिए हम अपने माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपको जो इसका रिजल्ट है वो बिल्कुल प्राणायाम वाला मिलेगा। उसमें भी हमें सांस छोड़ना है और हमें यहाँ पर बैंड करनी है। तो देखिए आपके यहाँ पर पेन आ रहा है, उस पेन को महसूस करना है। यहाँ पर आप शुरू में 5 बार या 10 बार मन में काउंटिंग करिए, इतनी देर आपको रुकना है। बाद में आप इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 20 तक काउंटिंग कर सकते हैं और फिर हमें सांस लेते हुए आगे आना है। जब हम गर्दन को सांस लेके हुए आगे आए फिर सांस छोड़ेंगे, फिर राइट साइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें करना है। तो ये अगर आप बेसिक एक्सरसाइज करेंगे तो भी आप फिट रह सकते हैं, और आपकी जो बेसिकली जो माइंड है या जो आप आजकल स्ट्रेस का ज़माना है स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे, और आपके जॉइंट्स में जो पेन होता है सर्दियों में खासकर होता है उससे भी दूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे कुल मिला के 8 एक्सरसाइज बताई हैं और इन्हें करने में मुश्किल से आपको 8 मिनट भी नहीं लगेंगे शायद। तो मैं आशा करती हूँ इसे आप दिन में एक बार ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको फिर से ध्यान दिलाती हूँ, रात को सोते हुए गर्दन को हमें जो पूरी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली बताई है वो ज़रूर करें, और उसके बाद मुझे आपकी नींद में इसमें फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी इसमें बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने गुरुंदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।